शरीरे ओम शांति 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 ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति हाँ जी, तो अष्टम अध्याय आरंभ होता है। सप्तम अध्याय के अंत में बतला दिया गया था कि जिन पुण्य कर्म करने वाले, सत्कर्म करने वाले जो मनुष्य है और जिनके पाप समाप्त हो गए, गलित हो गए हैं, वे द्वंद्व मोह से निर्मुक्त हो करके दृढ़ निश्चय के साथ में मुझ परमात्मा का आत्म रूप से चिंतन करते हैं, ये बतलाया। उसके पश्चात फिर बतला दिया जरा मरण मोक्षाय, जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त होने के लिए मेरे ही आश्रित हो करके जो यतन करने वाले हैं, तो उनके लिए क्या बताया है कि वे कृत्स्नम तद तद ब्रह्मा कृत्स्नम विदु, वे उस ब्रह्म को संपूर्ण रूप से जान लेते हैं और अध्यात्मम अध्यात्म में भी और अखिल कर्म च अखिल कर्म को भी जान लेते हैं। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं सर्वम खलु इदम ब्रह्मा, सब कुछ क्या है? ब्रह्म ही है। जो ये अधिदैव है, अधिभूत है, अध्यात्म है, अधियज्ञ है, और ये जो संपूर्ण वेद विहित जो वैदिक कर्म है, ये सब के सब क्या है? सब कुछ ब्रह्म ही है। इसीलिए वे ब्रह्म के एक देश को नहीं जानते हैं, वे ब्रह्म को व्यापक रूप से जान लेते हैं। वे ब्रह्म को क्या है? ब्रह्म रूप से जान लेते हैं। ब्रह्म को ब्रह्म रूप से जानना है जो व्यापक है। ब्रह्म माने बृहत्वाद ब्रह्मा, जो खूब विशाल हो, बड़ा हो, उसको क्या कहते हैं? ब्रह्म। तो ब्रह्म को ब्रह्म रूप से जानना तो कठिन है। परमात्मा को दुनिया जो जानती मानती है वो एक देशी मानती है। कोई मंदिर में मानते हैं तो कोई परलोक में मानते हैं। कहाँ मानते हैं कि भगवान कहाँ है? परलोक में है। लेकिन जो ज्ञानी है वो क्या देखता है? वो कहता है सर्वम इदम खलु ब्रह्मैव, ये सब कुछ जो है ये ब्रह्म ही, जो कुछ है सो ब्रह्म ही है। इस प्रकार से वे मेरे को जानते हैं कृत्स्नम ब्रह्मा, ब्रह्म को संपूर्ण रूप से। फिर आगे बता ही दिया है, वो हमने बदला दिया, अधिभूत अधिदैव अधियज्ञ के सहित वे ब्रह्म को जानते हैं। और ऐसे जो मुझ ब्रह्म में ही समाहित चित्त वाले युक्त चेतसा, जो मुझ आत्मा में ही समाहित चित्त वाले जो है, वे प्रयाण काल में भी मृत्यु इस शरीर की मृत्यु के समुपस्थित होने पर भी ते माम विदुः, वे मुझे जानते ही। अर्थात एक संकट विपत्ति के समय उपस्थित होने पर भी उनका जो ज्ञान है, निश्चय है, चिंतन है, अनुभूति है, उसका परित्याग नहीं होता, वो बना रहता है ना। वो क्या है?
क्योंकि उसका स्वभाव ही है, वो उसका अपनी आत्मा ही है। तो अपने को भूलते हो गया आप कभी, कह जी क्या करूं, इतनी बड़ी विपत्ति आ गई थी कि मैं अपने आप को भूल गया है। अरे जो विपत्ति को अनुभव कर रहा था, जान रहा था, विपत्ति झेल रहा था, वो कौन था है? अपने आप को कहाँ भूला? फिर भ्रम है कि अपने आप को भूल जाता है। तो अब अष्टम अध्याय ये जो बतला दिया है तो ये बीज है डाल दिया। तो अब अर्जुन प्रश्न करेगा, ये नए नए शब्द सुने, अध्यात्म, अधिदैव, अधियज्ञ, अधिभूत और अखिल कर्म, ये पांच जो है ये क्या सुने? नए नाम सुने। तो अर्जुन सुन करके प्रश्न करेगा, अथाष्टमोध्याय अर्जुन उवाच, किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मम्, किं कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतं च किं प्रोक्त, मदीदैवं किमुच्यते। आगे वाला भी पढ़ लो, अधियज्ञ कथं कोत्र, देहेस्मिन् मधुसूदन, प्रयाण काले च कथं, गेयोषि नियतात्मभिः, किं तद्ब्रह्म किम् अध्यात्मम्, किम् कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतं च किम् प्रोक्तम्, अधिदैवं किम् उच्यते, अधियज्ञः कथं कः अत्र, देहे अस्मिन् मधुसूदन, प्रयाणकाले च कथं, गेयः असि नियतात्मभिः, किं तद्ब्रह्म, जो आपने कहा, क्या कहा है? ते ब्रह्मा तद्विदुः कृत्स्नम्, वे उस ब्रह्म को संपूर्ण रूप से जान लेते हैं। तो तद ब्रह्मा किम्, वो ब्रह्म क्या है? मतलब इतना श्रवण के पश्चात अर्जुन ये पूछेगा कि ब्रह्म क्या है, है ना? एक तो सर्वथा अज्ञानी वो पूछे, या दूसरा जो जानता है लेकिन विविध भेद जो जानता है, है ना? जो सर्वथा अज्ञानी होगा पहली बात तो प्रश्न कर ही नहीं पाएगा, करेगा भी तो उसका प्रश्न सीधा होगा, लेकिन जो विचारवान है उसमें प्रश्न बहुत होंगे। क्या होंगे? विचारवान, क्योंकि विचार कर रहा है तो उसको क्या होगा, उसी को ही उसके जो रहस्य है, तत्व है, बीच की बातें हैं, उनका चिंतन होगा, तो इस कारण से बहुत प्रश्न होंगे। तो अर्जुन अज्ञानी के समान नहीं पूछ रहा है कि वो ब्रह्म क्या है, क्योंकि अर्जुन जान चुका है कि ब्रह्म सोपाधिक और निरुपाधिक भेद से दो प्रकार का श्री कृष्ण ने बताया है, कहा है। तो यहाँ पर कौन सा ब्रह्म अभिप्रेत है, कौन सा ब्रह्म यहाँ पर ग्रहण करना चाहिए, सोपाधिक ब्रह्म या निरुपाधिक? सोपाधिक माने जो माया रूप उपाधि को स्वीकार करके ईश्वर, इसको क्या कहेंगे हम? उसको कहेंगे सगुण निराकार या सगुण साकार। वो परमात्मा क्या है? निर्गुण निराकार। तो निर्गुण निराकार वो तो क्या है? निरुपाधिक ब्रह्म। निर्गुण और निराकार, गुण से अभिप्राय क्या है? त्रिगुणात्मिका माया।
गुण से अभिप्राय क्या है? जो त्रिगुणात्मिका माया है उसका जिसमें लेश नहीं है, प्रवेश नहीं है, वो जो ब्रह्म है वो क्या है? वो तो निरुपाधिक ब्रह्म है, शुद्ध ब्रह्म जिसको कहेंगे। जिसको क्या कहेंगे? ब्रह्म तो वैसे सदा ही शुद्ध है, लेकिन समझाने की दृष्टि से तो वो जो निर्गुण निरुपाधिक, निर्गुण माने निरुपाधिक, और गुण सगुण माने गुण सहित, अर्थात गुण क्या है? माया के सहित। समझ आ रही है? माया सहित जो ब्रह्म है वो क्या है? वो है सोपाधिक ब्रह्म। और माया रहित, गुण रहित माने निर्गुण, गुण रहित माने जो निरुपाधिक ब्रह्म है उसको कहेंगे शुद्ध ब्रह्म। ठीक है, तो कौन सा ब्रह्म लेना है यहां पर? निरुपाधिक लेना है या सोपाधिक लेना है? ठीक है ना, तो ये पूछा है अर्जुन ने। किम तद ब्रह्मा, वह ब्रह्म क्या है? किम अध्यात्मम, और ये अध्यात्म क्या है? अध्यात्म क्या है? ये उत्तर देंगे वहीं पर कि अध्यात्म क्या है। किम कर्मा, हे पुरुषोत्तमा, हे पुरुषों में उत्तम, हे समस्त पुरुषों में जो उत्तम है, श्रेष्ठ है। आप तो पुरुषोत्तम है ना, जिसको 15वें अध्याय में कहा जाएगा उत्तम पुरुषस्तु अन्य एवा। क्या बतला है? अक्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम। क्या बतला है वहां पर सेठ जी? क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम। अक्षर बतला दी, अक्षरा सर्वाणी भूतानि, कूटस्थोक्षर उच्यते, उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मा इति उदाहृतः। सारे में तो सारा कुछ एक श्लोक में सारा। क्षरा सर्वाणी भूतानि, जितने भी भूत है, समुदाय है, हैं सबके सब क्या? क्षरा, नष्ट होने वाले, नाशवान है। कूटस्थोक्षर उच्यते, जो लेकिन जो कूटस्थ जो आत्मा है, कूटस्थ जो आत्मा है वो क्या है? वो अक्षर है, वो उसका नाश नहीं होता। उत्तम पुरुषस्तु, ये कूटस्थ भी उपाधि वाला है। कूटस्थ क्या? शुद्ध ब्रह्म ही है, शुद्ध ब्रह्म ही है, लेकिन उपाधि इसके कारण से क्या नाम पड़ गया? कूटस्थ। जबकि उपाधि में कूटस्थ का कोई प्रवेश नहीं है। समझ आ रही है बात? तो कूटस्थ जो है वो ब्रह्म ही है, लेकिन उसको अक्षर से कहा गया है। तो सब क्या है? कूटस्थ है, सबके सब क्या है? अविनाशी है, नाशवान है क्या? और ये क्या कूटस्थ क्या है? तो उसको आगे बता दिया, उत्तम पुरुषस्तु अन्यः परमात्मा इति उदाहरता। उत्तम पुरुष तो अन्य है, जिसको परमात्मा इस शब्द से कहा जाता है। क्या? परमात्मा इस शब्द से कहा जाता है, उसको कहा जाता है पुरुषोत्तम। क्या कहा जाता है उसको? तो सबके अंदर पुरुषोत्तम बैठा है। सबके अंदर कौन है? ये जो कूटस्थ है ना, यही पुरुषोत्तम है, ये ब्रह्म रूप है, शुद्ध ब्रह्म ही है। ये क्या है? अरे कोई कुर्सी पे बैठने से वो कुछ थोड़ा बदल गया है? कुर्सी पे बैठा ही तो है, उठ गया, क्या हुआ? कुर्सी पे बैठ गया था, उठ गया, क्या हो गया? वो स्वभाव तो थोड़ा बना है। तो जो सोपाधिक ब्रह्म है वो निरुपाधिक ही है, वो शुद्ध ब्रह्म ही है। उपाधि छोड़ी, वो तो भेद कर दिया, उपाधि का कभी संबंध हुआ ही नहीं, उपाधि का चेतन से कभी संबंध हो ही नहीं सकता। ये तो केवल जिज्ञासुओं को समझाने के लिए बता दिया है, सोपाधिक निरुपाधिक, अन्यथा उपाधि का आत्मा से या ब्रह्म से कोई संबंध है क्या? ये बताओ, है कोई संबंध? कोई संबंध नहीं है। तो इसलिए ये क्या हो गया? पुरुषोत्तम हो गया। तो कूटस्थ जो है वो पुरुषोत्तम रूप है। तो यहाँ पर संबोधन क्या किया अर्जुन ने? अर्जुन ने संबोधन किया, अर्जुन ने कहा है ना, अर्जुन वाचा, अर्जुन ने कहा,
कहा था भी लगाया करो। अर्जुन ने ये सब बात कौन सुना रहा है? संजय सुना रहा है। किसको सुना रहा है? धृतराष्ट्र को सुना रहा है ना। ये हो चुकी है सब बात, बताया था ना गीता के आरंभ में। गीता कब सुनाई है संजय ने धृतराष्ट्र को? जब भीष्म जो है सर सैया पर गिर गए, बाणों की सैया पर अर्जुन के बाणों से बिंद करके पड़े हुए भूमि पर, तो दसवें दिन संजय ने धृतराष्ट्र को तब गीता सुनाई। समझ आया? अर्जुन को तो पहले ही सुना दी है, लेकिन पहले उसने विशेष आकांक्षा नहीं की होगी, या ना धोके नहीं आया होगा तब तक, आके बैठेगा तभी तो निकल गया होगा। तो ये रीकैप बोलते, क्या बोलते हैं उसको, हैं? वो आया नहीं था समय से, वो इतना पार्ट निकल गया था, तो संजय ने फिर उसको, फिर जो लाइव चल रहा था लाइव सुनाता रहा। तो फिर जब उसको धक्का लगा भीष्म के गिर जाने पर, तब क्या लगा धृतराष्ट्र को? जब तक भीष्म खड़े हैं मेरे पुत्रों की पराजय नहीं होगी। भीष्म गिर गए तो फिर समझो दीवार गिरनी शुरू हो गई है, फिर इनको बचाने वाला कोई नहीं। तो जब भीष्म गिरे तब धक्का लगा, तब उसने पूछा कि भाई क्या किया? उसका मतलब बताया था ना शुरू वाले श्लोक का हमने, कि मेरे और पांडु पुत्रों ने ये क्या कर दिया? क्या? हाँ, दूसरा अर्थ मत कर लेना, वहां दूसरा अर्थ करते लोग अधिकतर। अरे ये मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या कर दिया? भीष्म इनके पूज्य, इनके दादा, और उनको बाणों से मार के तो क्या कर दिया ये? तो इस प्रकार आक्षेप रूप प्रश्न है वो, कीमा कुरुवत, क्या कर दिया हे संजय? तो तब ये सुनाई है, इसलिए यहां बार बार उवाच बोल लेंगे, नहीं तो अवोचत शब्द आना चाहिए था, है ना। या फिर जो है उसने इस प्रकार से जो कथन किया वर्तमान में आना चाहिए था, अकथयत आता इस प्रकार से। लेकिन ये जो लिट लकार प्रयोग होता है ये परोक्ष अर्थ में होता है, बहुत पहले जो बीत गया, 10 दिन हो गए ना बीते हुए। तो इसलिए अर्जुन ने कहा था, संजय बोलता, क्या कहा था? अर्जुन ने कहा था, क्या कहा था? कि वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, और हे पुरुषोत्तम ये जो आपने बतलाया है कर्म, ये कर्म क्या है? कितने प्रश्न हो गए, गिनते रहना, 3 हो गए। अधिभूतम च किम प्रोक्तम, और जो अधिभूत है वो उसको किसको कहा जाता है? अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिभूत किसको कहते हैं? अधिदैवम किम उच्यते, और अधिदैव किसको कहते हैं? कितने प्रश्न हो गए। ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, और कर्म क्या है, क्या स्वरूप है इन? और अधिभूतम चा माने और, अधिभूतम किम प्रोक्तम, अधिभूत किसको कहते हैं, कहा जाता है? अधिदैवम किम उच्यते, और अधिदैव किसको कहते हैं? अधिदैव किसको कहते हैं? इस प्रकार ये 5 प्रश्न। अभी और भी देखो, आगे वाले श्लोक को भी साथ ही पढ़ा था ना, अधियज्ञ कथम कह अत्र देहेस्मिन मधुसूदना। ऊपर पुरुषोत्तमम, पुरुषोत्तम अध्याय संबोधन, पुरुषों में उत्तम श्रेष्ठ परमात्म रूप एक तरह से क्या है, अर्जुन श्री कृष्ण को क्या कह रहा है? परमात्म रूप कह रहा है। क्या कह रहा है? अब तक तो सखा मानता था, है? स्वजन मानता था, संबंधी मानता था, अपनी जो है रिश्ता मानता था, लेकिन अब क्या कह रहा है? पुरुषोत्तम। ऐसा ज्ञान अर्जुन श्रवण कर रहा है जो अब तक सुना ही नहीं, विलक्षण
ऐसा ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप सुन रहा है तो अर्जुन कह उठा कि श्री कृष्ण जो है वो तो तत्वनिष्ठ है, तत्वज्ञ है, ब्रह्म रूप है, इसीलिए कह दिया पुरुषोत्तमा, हे पुरुषोत्तमा, आप तो ब्रह्म रूप है, आप क्या है, ब्रह्म। और अब तो गुरु भी है, तो गुरु तो ब्रह्म रूप होता ही है, जो उपदेष्टा है सामने, तो ऐसी श्रद्धा होगी तभी तो उसके हृदय में थोड़ा बहुत ज्ञान उतरेगा, इसीलिए उनको ब्रह्म रूप मानना या संबोधन करने में कोई दोष नहीं। तो यहां पर देखो क्या संबोधन किया, मधुसूदना, मधु नाम के जो दैत्य है उसका सूदन करने के कारण से उसको मार दिया था, हत्या कर दी थी, इस कारण से हे मधुसूदन अत्र अस्मिन देहे, यहाँ इस शरीर में अधियज्ञ का, अधियज्ञ क्या है, अधियज्ञ क्या है और कथम, कैसे कैसे रहता है, समझ आया। यहाँ इस शरीर में हे मधुसूदन अधियज्ञ क्या है और कैसे वो रहता है, कथम कहा पहला करेंगे और कथम बाद में करेंगे, तो क्या है और कैसे रहता है, तो ये एक ही प्रश्न है, क्योंकि अधियज्ञ को लेकर के दो प्रश्न मत मानना है, इसको लेकर के है, ये अधियज्ञ को लेकर के ही दो प्रश्न किए, इसलिए एक ही प्रश्न मान लिया, अधियज्ञ संबंधी हो गए, और दो छह हो गए, सातवें वाला अंतिम जो है, प्रयाण काले च कथम गेयोसी नियतात्म भी, नियतात्म भी संयतात्म भी, जिनका चित्त जो है वो संयत है, जिनका चित्त क्या है, संयत है, संयत माने जो अपनी आत्मा में ही स्थित है, आत्मा में ही स्थित अंतःकरण वाले, उनको क्या कहेंगे, नियतात्म भी, समझ आए, तो अपनी आत्मा में ही स्थिर चित्त वालों के द्वारा प्रयाण काले इस शरीर के छूटने के समय मृत्यु काल में त्वम कथम गेयः, आप कैसे जानने योग्य है, क्या पूछा है, जो आत्मा में स्थिर चित्त वालों के द्वारा अंतकाल में त्वम, असी बोला ना, असी माने त्वम, त्वम के लिए आया है, तो कथम गेयः असी त्वम, आप कैसे जानने योग्य हो, क्यों अर्जुन को लगता है कि मरण काल में तो व्यक्ति को भय और वात पित्त कफ आदि से क्या होती है, श्वास नली अवरुद्ध हो जाती है, इतना कष्ट होता है, तो मृत्यु के काल में तो इस प्रकार से स्मरण रखना, ज्ञान बनाए रखना, ये कैसे संभव है, अर्जुन को इस प्रकार का जो संशय हुआ है प्रश्न की, कैसे, सामान्य संसारियों की बात नहीं है, नियतात्म भी क्या बोला है, अपनी आत्मा में ही नियत है अंतःकरण जिनका, ऐसे जो ब्रह्मवेत्ता है वे लोग प्रयाण काल में मृत्यु के काल में त्वम कथम गेयासी, आप कैसे जानने योग्य हो उनके द्वारा, तो ये सातवां प्रश्न है। तो इस प्रकार से अर्जुन ने कितने प्रश्न किए हैं, सात प्रश्न किए हैं। अरे बोल तो दिया था बाबा जी, वे दो प्रश्न अधियज्ञ को लेकर के है, तो वो एक ही माना जाएगा। तो इस प्रकार से
सात प्रश्न हुए, तो साथ ही साथ इससे क्या हुआ, प्रश्न करने से ये पता लगा कि वो आंख बंद करके नहीं सुन रहा है। मतलब ऐसी नहीं कि उसकी ना समझ में आ रहा हो या फिर जो है वो ये कह रहे हैं वो आधे अधूरे मन से सुन रहा है। अर्जुन के इस प्रकार प्रश्न करने से ये बात द्योतित होती है कि कितनी श्रद्धा के साथ सुन रहा है और साथ ही साथ कितना विचारवान है, और केवल ये सुन करके आगे नहीं बढ़ रहा है, जो भी संशय हुआ तो उसको सामने रख करके उपस्थित कर रहा है। तो इस प्रकार से जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, क्या कहा था कि वेते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णम्, इससे प्रश्न उपस्थित हुए कि वे जो है ब्रह्म, उस ब्रह्म को संपूर्ण रूप से जानते हैं। तो संपूर्ण में क्या आया, तो संपूर्ण का अभिप्राय पूछ रहा है एक तरह से, क्या पूछ रहा है, संपूर्ण, संपूर्ण माने अध्यात्म, अखिल कर्म, अधियज्ञ, अधिभूत, अधिदैव, जो ये पांच नए आए थे तो उनको लेकर के प्रश्न कर रहा है। समझ आ गया, तो आगे इनका समाधान क्रमशः करते हैं, आगे पीछे नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण जो है, जो ये सात प्रश्न किए गए इनका क्रमशः प्रतिवचन उत्तर देते हैं। तो देखिए, श्री भगवानुवाच, अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संगीतः। श्री भगवान उवाच, अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावः अध्यात्मं उच्यते भूतभावोद्भवकरः विसर्गः कर्म संजितः। श्री भगवान ने कहा था, क्या कहा, जब अर्जुन ने कहा था या पूछा था तब श्री भगवान ने कहा था, क्या कहा था, अक्षरम ब्रह्म परमम, सबसे पहले क्या पूछा था, किम तद ब्रह्म, पहले प्रश्न क्या था, वह ब्रह्म क्या है, सोपाधिक है या निरुपाधिक, तो उसका उत्तर दे रहे हैं ब्रह्मा अक्षरम परमम ब्रह्मा। वो जो ब्रह्म शब्द से तूने पूछा है वो क्या है, अक्षर है, माने अविनाशी, न क्षरति इति अक्षर, अक्षरति इति क्षर, क्षय जिसका हो, क्षीण जो हो उसको क्या कहेंगे, क्षर, और न क्षरति इति अक्षर, जिसका क्षय ना हो, जिसका क्षय ना हो, क्षीण ना हो, नाश ना हो, वो क्या हुआ, अक्षर माने अविनाशी, अक्षर माने अविनाशी। जैसे अक्षरों को बोलते हैं ना, का खा गा घा गा, ये क्या है, अक्षर है, ये भी एक तरह से वर्ण समुदाय की अपेक्षा से क्या है, अक्षर है, ये वर्ण समुदाय की अपेक्षा से क्या है, ये जो अक्षर है 52, ये तो रहते ही है, और वे जो है वर्ण, वे क्या होते हैं, नष्ट होते रहते हैं, बनते रहते हैं, वर्ण बनने वाले हैं और नष्ट होने वाले हैं, है? वर्ण समामनाएं के अनुसार, लेकिन ये क्या है, ये अक्षर है, ये तो यही रहते नहीं रहते, क आ आ ई ऊ, इनका नाश होता है क्या, ये टूटते हैं क्या, ये टूटते नहीं है, टूटते कौन से है, वे वर्ण जो मिलके बने थे और वे क्या हो गए, वे टूट गए, उनको अक्षर कहते हैं इसमें। हाँ, तो अक्षरम परमम ब्रह्मा, ये जो ब्रह्म कहा था ना, ये क्या है, अक्षर है,
अविनाशी है और परमं ब्रह्म, परम ब्रह्म को लेना यहाँ पर, अपर ब्रह्म को नहीं लेना, सोपाधिक ब्रह्म को नहीं लेना है। किसको लेना है? जो निरुपाधिक ब्रह्म है परम, इस शब्द के द्वारा उसका ही अर्थ द्योतित होता है कि पर ब्रह्म को लेना है। स्वभाव अध्यात्मम उच्यते, और स्वभाव को ही अध्यात्म कहते हैं। स्वभाव को क्या कहते हैं? अब अध्यात्म क्यों पूछा? अध्यात्म माने शरीर, और इस शरीर में जो कुछ है सब अध्यात्म है। इस शरीर में जो कुछ है, हाथ है, पैर है, कान है, नाक है, मुंह है, हैं वात है, पित है, कफ है, बुखार है, हैं और सब कुछ जो है, वो जो मन है, बुद्धि है, इंद्रिया है, सब क्या है? सब अध्यात्म है। और जो इस शरीर में चेतन आत्मा है वो भी क्या है? वो भी अध्यात्म है। तो अर्जुन पूछता है अध्यात्म से क्या, अध्यात्म से कान लूँ या आँख लूँ या नाक लूँ, किसका ग्रहण करूँ? उसको बता दिया स्वभाव अध्यात्मम उच्यते, स्वभाव ही अध्यात्म है। स्वभाव माने स्वस्य भाव, स्वभाव माने स्वस्य भाव, स्व माने आत्मा, आत्मा का जो भाव है विद्यमानता, आत्मा की इस शरीर में जो विद्यमानता है, सबसे अंतर क्या है इस शरीर में, सबसे गहरे कौन है? ये सब बाहर, फिर प्राणादि बाहर, इंद्रिया भी बाहर, फिर ये अंतःकरण भी बाहर, सबसे अंतर कौन है? सबसे अंदर छिपा हुआ कौन बैठा है? आप हैं इस शरीर में, सबसे गहरे छिपके बैठे हुए पांच कोशों के अंदर। कितने के अंदर बताया? कितने कोश हैं? अन्नमय कोश और प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, और समझ आ गया? तो ये पांच कोश है, कवर है, कोश माने कवर है ना, हाँ तो ये उसके कोश है, कवर है, रहने के स्थान है। जैसे तलवार का कोश होता है, मोबाइल का कोश कवर, तो वैसे इन पांच कोशों के अंदर में सबसे अंदर कौन है? आत्मा है ना। तो उसी को ही अध्यात्म शब्द से ग्रहण कर लेना, ये मत किसी इंद्रियों को ग्रहण मत कर लेना अध्यात्म से, है ना, किसी इंद्रिया इंद्रियों को या अंग विशेष को अध्यात्म शब्द से ग्रहण नहीं करना है। स्वभाव अध्यात्मम उच्यते, स्वभाव ही अध्यात्म है। स्वभाव माने अपनी जो आत्मा है वही अध्यात्म है। भाई पूछा था ना किम तद अध्यात्मम, वो अध्यात्म क्या है? अध्यात्म क्या है माने अपनी आत्मा ही अध्यात्म, समझ आया? वह जो पर ब्रह्म अविनाशी है वही ब्रह्म है। पहला प्रश्न का उत्तर क्या हुआ कि ये अविनाशी पर ब्रह्म ही ब्रह्म शब्द से कहा गया है, और स्वभाव ही अध्यात्म शब्द से कहा गया है। किसको? आत्मा का जो भाव है विद्यमानता, इसी को क्या कहा है? अध्यात्म शब्द से कहा। ठीक, कितने प्रश्न के उत्तर हो गए? दो प्रश्न। भूत भावोद्भव कर, अब ये देखो जी, भूत भाव शब्द क्या? भूतानाम भाव, समस्त भूतों का जो भाव है विद्यमानता है, समस्त भूतों की जो विद्यमानता है उसका जो उद्भव, समस्त भूतों का जो उद्भव, भूतों का के जो पदार्थ है उनका जो उद्भव, उसको करह करने वाले, समझ आया? समझ लेना। भूत भाव, भूतानाम भाव, भूतों की जो विद्यमानता है, ये जो भूत है ना स्थूल भूत,
और या ये भी मान लेना, क्योंकि अब जो है ना जो अधिभूत पूछा है ना, तीसरा प्रश्न क्या है, कर्म पूछा है, पर लेकिन तीसरा प्रश्न यहाँ ले लेंगे अधिभूत है, तो कर्म का ही बतलाएंगे कि कर्म क्या है। लेकिन ये देखो, पहले ये समझो कि भूत शब्द से तो कुछ भी ग्रहण करेंगे, भूत प्रेत भी भूत शब्द से ग्रहण होते हैं, नहीं होते हैं, ये जो प्राणी वर्ग है ये भी भूत शब्द से ग्रहण होते हैं, जो कुछ बाहर है वो सब भूत शब्द से ग्रहण होता है, और ये जो पांच भूत भी ये तो प्रसिद्ध ही है, तो भूत शब्द से क्या लेना है, तो उसको बता रहे हैं भूत भाव, भूतों का जो भाव है विद्यमानता है उसको उद्भव कर, उसको उत्पन्न करने वाले, समझ रहे, भूत पदार्थों को जो उत्पन्न करने वाले हैं कौन है, देवता, क्या है मतलब इस सारे शब्द का अर्थ क्या हुआ, देवता, भूत भाव उद्भव कर, इसका क्या अर्थ बना, देवता, भूत जो पदार्थ, ये भूत है इनके भाव विद्यमान, इनकी विद्यमानता उसको उद्भव करा माने उत्पन्न करने वाले। पीछे आप सुनी आए हो कि जो वृष्टि आदि होती है वो तो किससे होती है, देवताओं को प्रसन्न करने से, तो वृष्टि आदि हो करके फिर क्या होती है, अब आप देख लो जो भूमि जिस पे तिनका भी नहीं था क्या हो गया, वहाँ खूब हरा भरा पेड़ पौधे इतने अंकुरित हो गए हैं, तरह तरह की जड़ी बूटियाँ तरह तरह की हो गई, नहीं हो गई है, तो उसको किसने उत्पन्न किया है, आपने पानी दिया था हैं, किसने किया है, देवता, इसलिए किसने किया है कि देवता, अब देवता अपनी मर्जी से नहीं करते हैं, वो भी बतला, वही तो बात बतानी है कि देवता अपनी मर्जी से थोड़ा ही करेंगे, आपके कर्मानुसार, इसके अनुसार, इस जीव के कर्मानुसार आपने कर्म किए होंगे तो कर देंगे, कहीं ज्यादा कहीं कम कहीं नहीं होगी है? कहीं होगी तो सारे में हुई, तो सारे सब जगह है, किसी के लाभ हो गया किसी के हानि होगी, कि हमारा तो सारा बीज बह गया जी है, वही वर्षा किसी के महाराज आनंद आ गए, और दूसरा व्यक्ति परेशान हो रहा है कि कह जी हमारा तो सारा क्या है, इतनी बारिश हुई कि बीज भी बह गया, ऐसा भी है नहीं है क्यों जी, तो वैसे ही देखो यहाँ पर भूत भावोद्भव कर, भूतों का जो भाव विद्यमानता अस्तित्व उनको उद्भव कर, उनको उत्पन्न करने वाले कौन हो गए, देवता, तो देवता के लिए विसर्ग, विसर्ग करना, विसर्ग माने त्याग, विसर्ग माने देवताओं के लिए जो त्याग है वही क्या है, कर्म संगीता, उसको ही कर्म इस संज्ञा इस नाम से कहा जाता है। अब कर्म, कर्म का मतलब तो क्या है, श्वास लेना भी कर्म हो गया, हाथ हिलाना खुजलाना चलना फिरना, तो ये कर्म नहीं माना है, ये लौकिक कर्म है, और वैदिक कर्म, कर्म कितने प्रकार के हुए, दो प्रकार के हो गए ना, तो बाद की बातें हैं, हरोड़ा जी पता नहीं कहाँ घूमते रहते हैं अड़ोस पड़ोस हैं, लौकिक कर्म और वैदिक कर्म, तो वैदिक कर्म बतला रहे, लौकिक कर्म जो आप भूख लगी भोजन कर लिया, कह जी कर्म कर रहा हूँ मैं भी है, जो कुछ स्वार्थ के लिए किया जाए उसको भी कर्म मान लेगा है, तो उस कर्म का यहाँ पर विषय नहीं है, कर्म किसको कह रहे हैं, विसर्ग, त्याग का नाम ही कर्म है, क्या जो स्वार्थ का त्याग हो या जो फल की इच्छा का त्याग हो उसी को ही यहाँ पर कर्म इस शब्द से कहा जा रहा। तो भूत भावोद्भव कर माने भूतों की जो विद्यमानता है उसको उत्पन्न करने वाले जो देवता, उन देवताओं के लिए विसर्ग, जो त्याग है, क्या करते हैं हम लोग, देवताओं के लिए सामग्री एकत्रित करते हैं ना यज्ञ करने के लिए है, चंद्रकांत जी कई दिन से करने लग रहे जमा, सामग्री एकत्रित करते हैं, तो फिर क्या करते हैं देवताओं को, इदम इंद्राय इदम नममा, इदम अग्नये इदम नममा, इदम वायवे इदम नममा, हाँ इस प्रकार से सबको आहुति देंगे नहीं देंगे, तो
उससे क्या होंगे, तत्त्व देवता जो है वो पुष्ट होंगे, प्रसन्न होंगे, और फिर वो जो है आपको यथा कर्म के अनुसार फल प्रदान करेंगे प्रसन्न हो करके। ये कर्म का सिद्धांत है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि देवताओं के लिए जो विसर्ग है, मतलब वैदिक कर्म लेना है यहाँ पर, कर्म तो कर्म में तो लौकिक भी आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ग्रहण किसका करना है, जो पूछा था किम कर्मा, क्या पूछा था कर्म क्या है, तो उसको बता दिया है विसर्ग एव कर्म, त्याग ही कर्म है। क्या है देखो, यज्ञ का मतलब होता है त्याग। यज्ञ का मतलब क्या है, जो भी आप स्वार्थ रहित हो, जैसे वहाँ पे कितने प्रकार के यज्ञ गिनाए थे, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतया संसिता व्रता अपाने जुवति प्राणम प्राणापानम तथा परे प्राणापानम तथा परे प्राणापान गति रुद्वा प्राणायाम परायण अपरे नियताहार प्राण प्राणेशु जुवति सर्वे पेते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कल्मसः एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्राह्मणों मुखे कर्मजान विदितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसि। 14-15 तरह के तो यज्ञ गिनाए थे, क्या है कितने प्रकार के, स्वाध्याय करना, ये क्या है, ये भी यज्ञ है, ये क्या है स्वाध्याय है, तप करना जो इंद्रियों का संयम है, जो इंद्रियों का अपने मन का संयम है, ये भी क्या है, ये भी यज्ञ है। द्रव्य यज्ञ जो भंडारा आदि करना है, वो भी क्या है, या भूखे को भोजन कराना है, या किसी वस्त्रहीन को वस्त्र प्रदान करना है, वो भी क्या है, वो भी यज्ञ है। जो भोजन करना है वो भी क्या है, प्राण प्राणेशु जुवति, वो क्या है, ये प्राणाग्निहोत्र इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्राणाग्निहोत्र, क्या है प्राणाय स्वाहा इदं न मम, अपानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा। इसलिए महात्मा लोग पंच आहुति देने के पश्चात भोजन ग्रहण करते हैं, जो प्राणाग्नि के उपासक है ना। ये भी क्या हुआ, प्राण अग्निहोत्र है, ये भी अग्निहोत्र है। जितना पुण्य एक बहुत विशाल मंडप लगा करके और बहुत सामग्री और बहुत दुनिया को बुला करके और जो बहुत ब्राह्मणों के द्वारा बड़े उच्च उच्च स्वर में मंत्रोच्चारण पूर्वक जो अग्नि में आहुति दी जाएगी, इतना विशाल यज्ञ संपन्न होगा, उसका फल आप रोज भोजन करके प्राप्त कर सकते हो। हाँ जी, हाँ वो तो महात्माओं का है, वो अलग है। हाँ वो तो क्या है, वो तो ब्रह्म रूप है, अभेद है ना वहाँ पर। तो आहुति भी ब्रह्म, देने वाला भी ब्रह्म, अग्नि भी ब्रह्म, दिया जिसको जा रहा है वो भी ब्रह्म, ब्रह्म ही है, कर्म भी ब्रह्म, वो तो सर्वोत्तम है। वो तो ये है, आत्मचिंतन कर, वो ब्रह्म यज्ञ है। वो क्या है, एक ब्रह्म यज्ञ है, अपर ब्रह्म यज्ञ है, अपर ब्रह्म वो पर ब्रह्म यज्ञ होगा, आत्मचिंतन कर। अनेकों प्रकार के यज्ञ श्री कृष्ण कह रहे हैं, एवं बहुविधा यज्ञ, तप यज्ञ बतलाया है, स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ जो अर्थ का चिंतन करना है, है? जो स्वाध्याय यज्ञ को कहा है जो खाली मंत्र पाठ है, और ज्ञान यज्ञ किसको कहा है जो सत्संग आदि है, वो सब ज्ञान यज्ञ में आ जाएंगे अर्थ सहित। तो इस प्रकार अनेकों प्रकार के यज्ञ बतलाए हैं। तो यज्ञ का मतलब समझ आ गया, यज्ञ का मतलब है त्याग। क्या मतलब है यज्ञ का, स्वार्थ का, फल की इच्छा का त्याग, जहाँ जहाँ है वो यज्ञ है, और जहाँ जहाँ स्वार्थ और फल की इच्छा जुड़ गई वो यज्ञ है। समझ आ गया, इसलिए क्या कह रहे, भूत भावोद्भव करह, जो भूतों का भाव है विद्यमानता उसको उत्पन्न करने वाले देवता, उनके निमित्त विसर्ग माने जो त्याग है, वही कर्म संगीता, कर्म इस संज्ञा से उसको कहा जाता है, कर्म उसका नाम पड़ जाता है, त्याग का नाम ही कर्म है। क्यों जी, क्या है, त्याग का नाम ही कर्म है। तो इस प्रकार से
ये तृतीय प्रश्न का उत्तर हो गया। पूछा था ना किम कर्मा, कर्म क्या है, तो जो आप करते हैं, तो इसलिए बीज क्या हुआ, कर्म ही बीज है। आपके जो भी सुख दुख जन्म आदि या जो भी अनुकूल प्रतिकूल है, इन सब का बीज क्या है, कर्म। कर्म के अनुसार ही आपको योनि, कर्म के अनुसार ही आपको फल सुख दुख मिलता है। समस्त जीवों को किसके अनुसार मिल रहा है, कर्म के अनुसार। तो कर्म ही बीज है। आपके जन्म का, सुख दुख का, व्याधि मरण का, जरा आदि का बीज क्या है, कारण क्या है, कर्म। ये जो कर्म है, आप जो कर्म आपके द्वारा संपादित तो होता है, वही बीज है, वही कारण है। तो इस प्रकार से आगे वाला श्लोक देखो जी, चौथा प्रश्न। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर। अधिभूतं क्षरभावः पुरुषः च अधिदैवतम् अधियज्ञः अहम् एव अत्र देहे देहभृतां वर। देहे भृतां वर, ये संबोधन है। हे देह धारण करने वालों में श्रेष्ठ, देहे भृताम माने इस देह का जो भरण करने वाले हैं उनमें वरा माने श्रेष्ठ जो है। इस देह को भर तो सब रहे हैं, भैंस भी भरती है, हाथी भी भरता है, नहीं भर रहे सब पोषण कर रहे हैं इस देह का, नहीं कर रहे हैं। छीन करके डाकू लोग भी पोषण करते हैं अपने शरीर का, दूसरों को सता करके, दुख पहुंचा करके, लूट करके हैं, दूसरे को हानि पहुंचा करके, वो श्रेष्ठ है या मलिन है। श्रेष्ठ कौन है, जो कर्म करके, पुरुषार्थ करके और न्याय पूर्वक जो अपने हक का है, अपने अधिकार का है, उसको जो वो उपार्जित होता है उससे ही जो निर्वाह करे, वही क्या है, वही देह का भरण करने वालों में श्रेष्ठ, वही क्या है। हाँ जी सेठ जी, समझ आया नहीं। देह जो भरण करने वाले हैं, शरीर का तो सभी भरण कर रहे हैं, लेकिन जो पुरुषार्थ न्यायो न्याय उपार्जित जो अन्न है, उसके सेवन के द्वारा ही अपने शरीर को जो पुष्ट करता है, न्यायोपार्जित जो अन्न है उसे वही अपने शरीर को प्रदान करें, दूषित अन्न नहीं। जैसे जिस अन्न में दुर्गंध आ रही हो, वो अन्न जो है असनीय नहीं है, खाने योग्य नहीं है, भोजनीय नहीं है, इसी प्रकार जो शुद्ध कमाई का ना हो, जो ऐसे ही आपके यहाँ आ गया हो, दूसरे का जो भाग आपके यहाँ आ गया हो आपकी थाली में भी, तो वो भोजन आपके लिए भोजनीय नहीं है, उसका भोजन नहीं करना चाहिए, उसका भोजन नहीं करना चाहिए। तो इसलिए संबोधन दिया है देह भृताम वरा। दुनिया पालन करती है अपने शरीर को, लेकिन तू श्रेष्ठ है। साथ ही साथ ये भी है, दुनिया खा भी ले, लेकिन खाए पिए का सदुपयोग क्या है, खाए पिए का सदुपयोग है सेवा, दूसरों की सेवा करना या सहायता करना या दुख दूर करना या अपनी आत्मिक उन्नति करना।
खापी दुनिया रही है, दुनिया अपने शरीर को पाल भी रही है, पुष्ट भी कर रही है, लेकिन खाया पिया इस शरीर का भरण करना उसका ही सार्थक है। जो उसको खा के सो जाए वो निरर्थक, उसके जो खाया पिया है उससे उत्पन्न प्राप्त जो शक्ति है उसका जो सदुपयोग करे, विद्या दान करे या अन्न दान करे या रक्षा करे या सन्मार्ग पर लगाए या फिर अपना आत्मोद्धार करे, अपने विकारों को हटाए। अब खाया पिया अन्न और अपने विकारों और अपनी इच्छाओं को ही पूरा करने में लगेगा तो पता ना हो गया ना उसका, उसका क्या हुआ? क्योंकि इन विषयों के संसर्ग से क्या हो जाता है, इस जीव का पतन हो जाता है विषयों को भोग करने से। जो शक्ति मिली अन्न खा करके, उस शक्ति को किस में लगा दिया? विषयों को भोग में। तो क्या होता जाता है? इसका पतन होता जाता है। नहीं तो इसीलिए जो शक्ति उस मिली है हमने खाए पिए के द्वारा, उससे तू तो क्या है, श्रेष्ठ है, क्योंकि तूने लोगों की सहायता की है, लोगों के दुख दूर किए, विपत्ति में से उनको निकाला है, इसलिए तू देदा का भरण करने वालों में क्या है, तू श्रेष्ठ। और खाया पिया भंडारा खा के दिन ज्यादा वैसी आती है, हैं? तो शक्ति का क्या हो गया, व्यर्थ हो गया ना। हाँ, साधन भजन करे, आत्म कल्याण करे, आत्म चिंतन करे निरंतर और आत्मनिष्ठा को प्राप्त कर ले। खाने पीने का लाभ तो तभी है नहीं है, या शरीर को ही पुष्ट करने में लगे रहो, जिसको विवेक चूड़ामणि में कहा है ना, शरीर पोषणार्थी सन या आत्मानं विदृक्षति ग्राहम दारु धिया धृत्वा नदीम तर्तुम सहिच्छति। क्या बतलाया कि जो शरीर का पोषण करते हुए, शरीर में आत्मबुद्धि रखते हुए, खिलाओ पिलाओ बस, हर समय खाने पे दृष्टि, क्या बनाया, पकौड़ी, अच्छा हो तो ठीक, हलवा, अब हलवा बना लो, हलवा बन गया, अच्छा अब जो है वो नमकीन रखी ना, अरे निकाल के ले आ, और नमकीन का निमटा काम, तो फिर क्या, वो लड्डू भी तो थे, वो थे ना वो वाले, हाँ वो ले क्या, ये क्या है। तो जो इस तरह शरीर के ही पोषण में लगा रहता है और अपनी आत्मा को जानना चाहता है, उसका प्रयास ऐसा है जैसे जो नदी से पार जाना चाहता है मगरमच्छ को पकड़ करके, मगरमच्छ की पीठ पर बैठ करके नदी पार करना कोई चाहे, हो जाएगा? क्यों भाई, मगरमच्छ पटक के सबसे पहले उसी को अपने पेट में समाएगा नहीं है? हाँ, तो वैसा ही है, केवल शरीर के पोषण, शरीर का पोषण किस लिए करें, सत्कर्म हो इसके द्वारा, साधन हो इसके द्वारा, भजन हो, सेवा हो या आत्मचिंतन हो, इसीलिए हमारा शरीर स्वस्थ रहे। केवल शरीर स्वस्थ रहे जिससे कि मैं स्वेच्छा पूर्वक जो विषयों को भोग सकूं, हैं, लोगों को पीड़ा दे सकूं, कष्ट दे सकूं, दुख दे सकूं, तो वो क्या हुआ, वो तो आसुरी भाव है, राक्षसी भाव। हाँ जी, तो देखो यहीं पर आ जाओ, हे देहधारियों में, देह का भरण करने वालों में श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ है अर्जुन, तभी तो इस विद्या को सुन रहा है। अरे सुनने के लिए भी नहीं मिलती है, इस विद्या को सुन रहा है तेरा सौभाग्य। तो क्या कह रहे हैं, चतुर्थ प्रश्न का उत्तर, अधिभूतम किम, क्या कहा था, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिभूत किसको कहा जाता है, तो उसके लिए बता दिया है, अधिभूतम क्षराभाव, जितना भी ये सब जो नष्ट होने वाला है, ये सब का सब क्या है, अधिभूतम, जो कुछ भी ये सब क्या है, क्षरा भाव, क्षरा माने जो क्षरती क्षीण जो होता है, नष्ट जो होता है, जो कुछ भी ये सब का सब नष्ट होने वाला है, इन सब को हम क्या कहते हैं, अधिभूत। तो इससे केवल पंचमहाभूतों को नहीं लेना है, हैं? इसमें पंचभूत भी आ गए, पंचभूतों का कार्य भी आ गया, और जो आपका
जो हिरण्य गर्भ है उसको भी इसमें ग्रहण कर ले। वैसे अलग से भी ग्रहण अधि यज्ञ उसमें आएगा, अधि यज्ञ में उसको, लेकिन जो भूत से अभिप्राय हो गया आत्मा से भिन्न जो कुछ भी है वो सब का सब क्या है, भूत है, चिपटा हुआ है आपके। भूत चिपट गए ना, क्या चिपट गए, भूत चिपट गए। तो जो 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 क्योंकि सोपाधिक भी उत्पन्न होने वाला नष्ट होने वाला है ना, निरुपाधिक जो है वो ना उत्पन्न होता है ना वो है, और जो बनने वाला होगा वो बिगड़ेगा भी। तो सोपाधिक क्या होता है, इसलिए तो सोपाधिक ब्रह्म जो पूर्ण मदह, इसमें क्या लेते हैं निरुपाधिक ब्रह्म, पूर्णमिदम इसमें क्या लेते हैं सोपाधिक ब्रह्म। तो सोपाधिक ब्रह्म में जो निरुपाधिक ब्रह्म से भिन्न जो कुछ भी है वो सब सोपाधिक ब्रह्म में हम ग्रहण करते हैं। सबका सब क्या है वो सोपाधिक ब्रह्म ही है, अपर ब्रह्म जिसको कहेंगे, कार्य ब्रह्म भी जिसको कहेंगे, और समष्टि में जिसको हिरण्यगर्भ भी कहेंगे, क्योंकि हिरण्यगर्भ ही समष्टि का जो सूक्ष्म शरीर है उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। आएगा आगे सब बतलाएंगे वहीं पर। हाँ जी समझ आ गया क्या, अधिभूतम क्षरा भाव। अधिभूत पूछा था किसको कहा जाता है, तो जो भी नष्ट होने वाला है वो सबका सब क्या है, अधि पुरुषः च अधिदैवतम। और जो ये पुरुष है, पुरुष माने यहाँ हिरण्यगर्भ को लिया है, किसको लिया है हिरण्यगर्भ को लिया, दे पुरुष से मतलब ये सब देवता आ जाएंगे, लेकिन जो सर्वप्रथम जिसको प्रथम शरीरी भी कहा है, प्रथमज भी कहा है, इसको हिरण्यगर्भ, कार्य ब्रह्म, सूत्रात्मा, ये सब किसके नाम है, हाँ समष्टि का सूक्ष्म शरीर कह दो, या फिर ब्रह्मा जी का मन कह दो, क्या कह दो, ब्रह्मा जी का संपूर्ण जो ये स्थूल प्रपंच है, सूर्य चंद्रमा ये वो जो वर्णन करते हैं ना, क्या वर्णन करते हैं, वो पुरुष सूक्त का पाठ करते हैं ना, तो क्या करते हैं, ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहु राजान्यः कृतः ऊरु यत् यत्तदस्य तद्वैश्यः पद्भ्याम शूद्रो अजायतः। इस प्रकार से जो करते हैं ना, तो वो उस किसका है, समष्टि स्थूल शरीर का अभिमानी, उसको क्या बोलते हैं, वो हिरण्यगर्भ है, सूक्ष्म शरीर का है, लेकिन सूक्ष्म शरीर वाला ही तो स्थूल शरीर का भी अभिमान करता है, उसको ब्रह्मा जी कहेंगे। स्थूल शरीर जो है उसको क्या कहेंगे, ब्रह्मा, और सूक्ष्म शरीर जो है उसको कहेंगे हिरण्यगर्भ। समष्टि में मतलब सब जीवों के मन मिल करके क्या बनता है, ब्रह्मा जी का सूक्ष्म शरीर, और ये सारा का सारा ब्रह्मांड मिल करके ब्रह्मा जी का स्थूल शरीर बनता है। समझ आया, ये सारा का सारा ब्रह्मांड, सूर्य चंद्रमा इसलिए उसके बताते नेत्र है, हैं ये पृथ्वी जो है उसकी जो है पैर है, इस प्रकार से जो अंतरिक्ष है यही उसका क्या है, सिर है, तो ये किसकी है, विराट पुरुष। विराट पुरुष कौन है, ब्रह्मा, विराट पुरुष है ब्रह्मा जी, ये तो विराट हुआ, विराट माने स्थूल, स्थूल पुरुष जो है, और इसका ही जो सूक्ष्म शरीर है वो क्या है, हिरण्यगर्भ है। तो यहाँ पर हिरण्यगर्भ को लेना है, ठीक है, पुरुष च अधिदैवतम। और ये जो पुरुष कहा था ना, वो अधिदैव, अधिदैव क्या है, पुरुष, पुरुष एव अधिदेव, ये जो पुरुष है यही क्या है, अधिदैव है। पुरुष पूर्णम अनेन सर्वमिति, जिसके द्वारा सब कुछ क्या है, पूर्ण है, जिसके द्वारा सब कुछ क्या है, पूर्ण है, उसको पुरुष कहते हैं। पुरी शयना द्वा, या पुरी में जो शयन करने वाला उसको भी पुरुष कहते हैं।
आदित्यांतर्गत हिरण्यगर्भ सर्व प्राणी कराणाम अनुग्राहक सो अधिदैवतम। पुरुष किसको कहा है? आदित्य मंडलांतर्गत, आदित्य मंडल है ना, हाँ जी, आदित्य मंडल अंतर्गत एक क्या है, चंद्रमंडल अंतर्गत जो दक्षिण मार्ग से जाते हैं, है ना, तो वो क्या है, वो चंद्रयान मार्ग से जाने वाले जो है क्या करते हैं, वो चंद्रलोक का अतिक्रमण करके जाते हैं, और जो देव मार्ग से जाने वाले हैं तो वो क्या करते हैं, आदित्य मंडलांतर मंडल का अतिक्रमण करके जाते हैं। तो ये वाला मत समझ लेना, ये सूर्य ये चंद्रमा ये तो स्थूल है, ये नहीं है। हाँ, और उनका भी अभिमानी देव, आदित्य मंडलांतर्गत जो पुरुष है, जैसे अब इस शरीर के अंतर्गत जो पुरुष, अब ये शरीर थोड़ा पुरुष है, पुरुष कौन है, इस शरीर के अंतर्गत जो पुरुष है वो चेतनात्मा, वही पुरुष है ना, तो वैसे आदित्य मंडल है, उस मंडल का के अंदर जो पुरुष है उसका अभिमानी, जैसे इस शरीर का अभिमानी कौन है, जो जीव बैठा है, मैं आत्मा तो अभिमान नहीं करती, तो इस शरीर का अभिमानी जो चेतन है वो क्या है, वो जीव है, है ना, तो वैसी आदित्य मंडल का अभिमानी जो देव है उसका नाम क्या है, हिरण्यगर्भ। समझ आया, आदित्य मंडल। अच्छा, कल हम सुन रहे थे सूर्य, ये जो सूर्य है इस सूर्य के केंद्र का तापमान है 10 लाख या 1 लाख डिग्री टेम्परेचर, केंद्र का, सूर्य के केंद्र का टेम्परेचर ना 1 लाख डिग्री, अब आप सोचें, और इसकी जो बाहर की परिधि है, सूर्य तो पृथ्वी से 100 गुना बड़ा है, 100 गुना या कितना बड़ा, ये भी समझ नहीं आ रहा, सूर्य पृथ्वी से 100 गुना ही बड़ा है शायद, बताओ इतनी सी पृथ्वी है, ये जो सूर्य जो दिख रहा है ये भी तारा ही है, ये भी एक, और इसकी जो परिधि वहां पर टेम्परेचर है 6000 डिग्री, कितना, और यहाँ 30 डिग्री में हालत खराब हो जाती है, कितना, और वहां कितना है सीमा पे, और उसके केंद्र में नाभि में कितना है, 1 लाख है, तो उसकी उसकी चर्चा नहीं हो रही है, इस आदित्य की चर्चा नहीं है, ये जो सूक्ष्म है, जो क्या है, सूक्ष्म जो आदित्य है उसकी बात चल रही है, तो आदित्यांतर्गत जो हिरण्यगर्भ है सर्व प्राणी कराणाम अनुग्राहक, समस्त प्राणियों को उत्पन्न करने वाला और सबका अनुग्रह करने वाला, सबके ऊपर अनुग्रह करने वाला, उसी को अधिदैव इस शब्द से कहा गया है। अधियज्ञ अहम एव अत्र देहे, अत्र देहे इस शरीर में अधियज्ञ अहमेव है, इस शरीर में अधियज्ञ तो मैं ही हूँ, अधियज्ञ तो मैं ही हूँ, यज्ञो वही विष्णु हूँ, इस प्रकार से आता भी है, क्या आता है, विष्णु ही क्या है, यज्ञ रूप, विष्णु ही यज्ञ रूप है, तो इसलिए अधियज्ञ अहमेव अत्र, अधियज्ञ तो मैं ही हूँ इस देह में, इस शरीर में, अधि जो बात पिंड और ब्रह्मांड दोनों की चल रही है, हाँ जी सेठ जी, पिंड की और ब्रह्मांड, है ना, तो पिंड और ब्रह्मांड दोनों का क्या है, एकता है, अभेद है, बस बड़ा छोटा हो सकता है सब, जैसे समुद्र का पानी और बूंद का पानी, पानी तो पानी ही है,
दोनों में गुण धर्म क्या एक ही है, नहीं है, अलग अलग है क्या? H2O ही है, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना, पानी बना है। तो वो ही उस पानी में है, वो उस बूंद में है। अलग बूंद को जान लिया तो समझो समुद्र को जान लिया, आत्मा को जान लिया, इसीलिए किसको जान लिया, व्यापक ब्रह्म परमात्मा को जान लिया, समझे? हाँ, तो देख लो। तो अत्र देहे अधियज्ञ अहमेवा, इस शरीर में अधियज्ञ तो मैं ही हूँ, बाकी का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।